नमस्कार, मैं हूं आस्था चौहान और आपका स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों के लिहाज से बुधवार के साथ साथ गुरुवार का दिन बेहद खास था। बुधवार को जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले आए, वहीं गुरुवार को भी एक बड़ा फैसला आया जिसमें 150 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया गया। जी हां, गुरुवार को आए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को रद्द कर दिया, जबकि इसके पहले प्रमोशन में आरक्षण के बाद आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च अदालत का फैसला आया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति भी दे दी है। आइए एक एक कर समझते हैं कि बुधवार को कौन कौन से फैसले आए और इन ताबड़तोड़ फैसलों के मायने क्या है। सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आया। शीर्ष अदालत ने सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण को खारिज न करते हुए इसे राज्यों पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की यह अर्जी खारिज कर दी कि SC ST को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए। इस पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 12 साल पुराना M नागराज जजमेंट समीक्षा के लिए 7 जजों की संविधान पीठ को भेजने से भी इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति में लगी रोक अभी भी बरकरार रहेगी। वहीं प्रमोशन पर आरक्षण के फैसले की खबर आए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से बहुचर्चित आधार मामले पर बड़ा फैसला आ गया। कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं। आधार को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार कर दिया। साथ ही ये साफ किया कि स्कूल में दाखिले, बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने और विभिन्न परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। कोई भी मोबाइल कंपनी आधार कार्ड की डिमांड नहीं कर सकती है। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि आधार कार्ड की डुप्लीकेसी संभव नहीं है और इससे गरीबों को ताकत मिली है। फैसले में कहा गया है कि शिक्षा हमें अंगूठे से दस्तखत पर लाती है और तकनीक हमें अंगूठे के निशान पर ले जा रही है। हम आपको बता दें कि आधार पर देश में काफी समय से बहस चल रही थी। अब इस फैसले से आधार पर जारी सियासी दंगल भी थम जाएगा। अब तक हम कोर्ट के फैसलों को पढ़कर ही जानते आए, पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों की सुनवाई हम लाइव देख सकेंगे। कल हुई सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में तीसरा बड़ा फैसला यही आया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की इजाजत दे दी। इससे जुड़े नियम जल्द तैयार किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और यह जनहित में होगा। आपको बता दें कि समय समय पर समाज के भीतर से ऐसी मांग उठती रही है कि कोर्ट की कार्यवाही को लाइव किया जाए, जिससे जनता को पता चल सके कि वकील किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं। इसके लिए पश्चिमी देशों का भी हवाला दिया गया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को लेकर हर वर्ग में चर्चा की जा रही है, जहां ST ST के पिछड़ेपन का डेटा जरूरी नहीं वाले फैसले की बात की जाए या फिर आधार की वैधता को लेकर दिए गए फैसले की बात हो। आम राय में इन फैसलों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का तीसरा फैसला सुनवाई के सीधा प्रसारण को लेकर आम लोगों में उत्सुकता है।